हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7। स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको दो चैप्टर कराए हैं हिंदी में, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 2 था हमारा ईश्वर कहाँ है और चैप्टर 3 था हमारा बातचीत एक कला। और आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4, मैं सड़क हूँ। तो यहाँ सड़क अपने बारे में बता रही है कि मैं किस तरह से जीवन अपना जीती हूँ। और इसके जो राइटर हैं वो हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। मैं सड़क हूँ, भारी अजगर की तरह जड़ निद्रा में सोई। जैसे अजगर एक जगह पड़ जाता है ना गहरी नींद में, तो मैं उसी तरह सोई हुई हूँ। मैं सदा से स्थिर हूँ, या स्थिर यानी कि एक ही जगह हूँ, अचल हूँ, एक ही करवट सो रही हूँ। मगर मुझे एक पल के लिए भी विश्राम नहीं, मुझे इतना भी समय नहीं है कि अपनी इस सख्त और सूखी सेज यानी कि बिस्तर पर हरी घास की एक कोपल उगा सकूं। इतना भी नहीं कि अपने सिरहाने किसे कहते हैं, जहाँ इस साइड हम अपना सरक के सोते हैं, सिरहाने के पास कोई छोटा सा नीले रंग का एक बनफूली खिला सकूं। मैं बोल नहीं सकती पर अनुभव सब कुछ करती हूँ। कौन कह रही है सब बातें? सड़क। रात और दिन पैरों की आहट, सिर्फ पैरों की आहट मेरी इस जड़ निंद्रा में हजारों लाखों के चरणों के शब्द दिन रात स्वप्न की तरह मेरे तरह घूमते रहते हैं। मैं चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन काम पर जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। जिसका जीवन सुख से भरा हो वह पग पग सुख की तस्वीर खींचता चलता है और वह पग पग पर आशा के बीज बोता जाता है। जिसका घर नहीं, कोई आश्रय नहीं, उसकी चाल में न आशा है न अर्थ है, उसके कदम में न दाया है न बाया है। तो सड़क क्या बता रही है कि मैं सब पैरों की आहट से मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। कौन कहाँ जा रहा है, कौन घर जा रहा है, कौन शमशान जा रहा है, कौन खुश है, कौन दुखी है। और जिसका घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, उसकी चाल में न आशा होती है न अर्थ होती है और न उसके उसे कुछ भी पता नहीं होता। दुनिया की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने, कितनी बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी ही सुन पाती हूँ। बाकी को सुनने के लिए मेरे कान खड़े करती हूँ तो देखती हूँ कि सुनाने वाला ही चला गया। ऐसे कितने ही वर्षों की कितनी टूटी फूटी बातें मेरी धूल में मिलकर धूल बन जाती हैं। इसे क्या कोई जान सकता है? वह सुनो, कोई गा रही है कुह कुह पर कह नहीं पाई। जरा ठहरो, गाने का पूरा सुना कर जाओ, तुम्हारी पूरी बातें सुन लूँ। पर कहाँ ठहरी वह, गाते गाते न जाने कहाँ चली गई, मैं पूरा गीत सुन नहीं पाई। अब यह एक ही पद आधी रात को तक मेरे कानों में गूंजता रहेगा, है ना सड़क। क्योंकि क्या है, सब सड़क पे से जाते हैं लेकिन सबको कहीं, किसी को घर जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, तो कोई भी बात पूरी नहीं हो पाती। मुझे एक दुख है, किसी भी चरण चिन्ह को मैं अधिक दूर तक थाम कर नहीं रख सकती। मुझ पर लगातार चिन्ह पड़ रहे हैं पर नए आकार पहले के चिन्हों को पहुंच जाते हैं, क्योंकि कभी एक के बाद एक व्यक्ति आता जाता रहता है तो पुराने जो चिन्ह हैं, हमारे पैरों के जो निशान हैं वो मिट जाते हैं। हर चिन्ह दूसरे ही क्षण धूल में मिल जाता है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, लक्ष्य यानी कि मंजिल नहीं हूँ, मैं सबका साधन हूँ। मैं किसी का भी घर नहीं हूँ, मैं सबको घर ले जाती हूँ पर कोई खड़ा रहना नहीं चाहता। जिसका घर बहुत दूर है वह मुझे कोसते और शाप देते हैं। कोसते यानी कि बुरा भला कहते हैं, पता नहीं कितनी देर में आएगा हमारा घर, ऐसे कहते हैं ना। मम्मी, बच्चे मम्मी से पूछते रहते हैं, मम्मी और कितनी देर लगेगी, पापा और कितनी देर लगेगी, है ना। मैं जब उन्हें उनके घर के द्वार तक पहुँचा देती हूँ, उसके लिए उनमें कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। कृतज्ञता मतलब एहसान, एहसान थोड़ी ना मानते हैं कि सड़क ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। वे घर जाकर आराम करते हैं और आन लूटते हैं, अपनों से मिलते जुलते हैं, लेकिन वे मुझ पर तो केवल थकावट का दोष लगाते हैं। घर के उस आनंद की एक बूंद भी मैं नहीं पाती। हाँ, कभी कभी वह भी पाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हंसते हंसते शोरगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं। घर
अपने घर का आनंद वे मुझ तक ले आते हैं। उनके माता पिता का स्नेह घर से बाहर निकलकर कभी कभी सड़क पर आ जाता है। मेरी धूल को वे स्नेह दे जाते हैं और अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से हल्की हल्की थपकियाँ देते हैं। अपने स्नेह से वे मुझे सुलाना चाहते हैं। छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर से चलते जाते हैं तब मैं अपनी मन में अनुभव करती हूँ कि मैं बड़ी कठोर हूँ, शायद उनके पाँव में चुभती हूँ, उन्हें चोट पहुँचाती हूँ। तब मेरी इच्छा होती है कि काश मैं भी धूल की तरह कोमल होती। अमीर और गरीब, सुखी और दुखी, युवा और वृद्ध, जन्म और मृत्यु सभी मेरे ऊपर से एक साथ गुजरते हैं, इसलिए मुझको न हंसी आती है न रोना। लोग बीते हुए पर शोक करते हैं, वर्तमान के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए आशा में डूबे रहते हैं, परंतु मेरी स्थिति अलग है। मैं तो वर्तमान के प्रत्येक पल में सेकंड हजार नए नए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। मुझ पर अपने चरण चिन्ह छोड़ जाने की कौन कोशिश करता है, मैं भी उनमें कोई आशा नहीं करती। मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, न हंसी न रोना, सिर्फ मैं ही अकेली पड़ी रहती हूँ। तो देखा बच्चों, जो हमारे लेखक हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, उन्होंने जो सड़क की जीवन कहानी है उसे अपने शब्दों में कितने अच्छे से प्रस्तुत किया है कि सड़क क्या महसूस करती है। तो ये चैप्टर आपको अपनी बुक में से रीड करना है और इसका बुक वर्क फिल करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।